ये अब इनको मोमोज को रखा जा रहा है। क्या बात है यार, देख सकते हो आप नीचे छेद हुए हैं। अब ये गया बर्तन में। ओए होए होए, चीज देख रहे हो अरे भाई साहब, देख रहे हो आप। तो ये तेल गर्म हो चुका है हमारा और ये गैस में पनीर के पकोड़े। क्या बात है यार, होए होए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ उसी मेहनत का नाम है चाय दा वास्ता। आज हम आए हुए हैं चाय दा वास्ता की शॉप पर, जिन्होंने शुरुआत की थी छोटी सी शॉप पर एक रुपए की चाय के साथ, और आज छोटी सी शॉप पर कहाँ तक आ गए हैं जानेंगे पूरी कहानी शॉप के ओनर से, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। और आपको सारी मेकिंग दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर सब कुछ आइटम लकड़ी के बर्तन में मिलेगा आपको, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ तक कि जो लाइट की डेकोरेशन है ना, वो भी आपको लकड़ी के बर्तनों में मिलेगी। तो पूरी मेकिंग देखते हैं फटाफट से अंदर चलकर कि क्या क्या बनने वाला है। आपको भी चाय का वास्ता है, वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो पहले मोमोज की मेकिंग देखते हैं। तो क्या लिया भैया ने पहले? ये मसाला। अच्छा, मसाला लिया आपने। पैकिंग हो रही है मोमोज की। तो क्या क्या मिला है आपने मसाले में? लहसुन मिला है, अदरक मिला है। अच्छा, कैबेज। अच्छा, और अपना प्याज। अच्छा, तो इन सबको मिलाया हुआ है। तो आप कहीं बाहर सीख कर आए थे काम ये? हाँ सर। अच्छा, बाहर से सीखा था आपने? मैं गुजरात दिल्ली बम्बई सेट करके आया। अच्छा, गुजरात बम्बई दिल्ली में काम करके आए हो आप। तो ये तो अपने मोमोज तैयार हो गए, अब जाएंगे मिट्टी के बर्तन में। तो ये मिट्टी की हांडी है जिसके अंदर मोमोज बनाए जाएंगे। भैया ने पानी डाला है मिट्टी के बर्तन में, हांडी है पूरी एक तरह की। अच्छा, पानी जा रहा है इसमें। और ये देखो, ये वाली हांडी जिसमें नीचे छेद हो रहे हैं, इसी के अंदर मोमोज पकाया जाएगा। इसके ऊपर ये रखकर नीचे से भाप आती रहेगी और इसके अंदर मोमोज को रखा जाएगा और वो स्टीम होते रहेंगे इसमें। तो डालिए रहेगा मोमोज को। अच्छा, पहले तेल लगाया जाएगा। तो पहले हांडी के अंदर तेल लगाया जाएगा ताकि मोमोज अंदर से लगे नहीं, चिपके नहीं। अच्छा, काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग है। अच्छा, पीछे भी तेल। तो भाई देखो, अंदर बाहर दोनों तरफ तेल लगाया जा रहा है हांडी के। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ हांडी मोमोज, हर जगह सिर्फ आपको स्टील के बर्तन में दिखेंगे। ये अब इनको मोमोज को रखा जा रहा है। क्या बात है यार, देख सकते हो आप नीचे छेद हुए हैं। अब ये गया बर्तन में। ये हांडी को ऊपर रख दिया, इसको ऊपर से ढाकोगे? अच्छा, ढाक दो इसको ऊपर से। फिर ऑयल गया इसमें। ये ऑयल क्यों डाला आपने? वो ऊपर क्या सोगी हो जाता ना थोड़ा। जी, सोगी हो जाता है। सोगी हो जाता ऊपर से, इसलिए तेल डाला गया है। अब इसको कितनी देर तक स्टीम करेंगे इसमें? बस 5 मिनट। 5 मिनट ये ढाक दिया इसको ऊपर से। अब दिखाते हैं आपको बाद में आगे की प्रोसेस। ये आप क्या बनने जाने वाला है? कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाएंगे। अच्छा, आप कुल्हड़ पिज्ज़ा आएगा? हाँ, उसके लिए नई प्रोसीजर है सर। ये है अपने पास में बेस, इसकी कटिंग करके इसमें हमने सब जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा, वो इसमें मिक्स कर रखी है। तो इसमें क्या क्या मिलाया आपने? सर, इसमें शिमला मिर्ची है। अच्छा, तो ये देखो आप बेटर, इन्होंने ये बेस का जो टुकड़े किए हुए हैं और शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज और इनका जो सीक्रेट मसाला है जी, वो इन्होंने मिलाया हुआ है, मिक्स है। अच्छा, तो दिखाइए सर आगे की प्रोसेस क्या है। म्यूनिस। अच्छा, मेनू डाली गई इसमें। ये हमारा सॉस है। प्रोसेस जी, अपने हाथ से खुद बनाया। अच्छा, आपके हाथ से बनाया हुआ है। क्या बात है यार, ये टॉपिंग तैयार हो गई पिज्जा बेस की। मेरे बेस तो क्या बोले इसको, ये तो भाई कुल्हड़ पिज्जा है, बिल्कुल नई रेसिपी। ये चीज, ये चीज। अब मसाले डाल रहे हो? नमक मिर्ची, एरिगिनो, चिली फ्लेक्स, नमक। अब इसको मिक्स किया जाएगा अच्छे से। डालिए जल्दी से, एक कुल्हड़ में भरा जा रहा है। क्या बात है यार, हो गया फुला फुल। ऊपर से फिर से चीज़ डाली जाएगी।
क्या बात है यार, चीज़ ओवरलोडेड हो चुका है। अब कुछ जाने वाला और चिली फ्लेक्स एरिगोना दोनों मिक्स है। अब जाएंगे ओवन में। इसमें कितनी देर रखेंगे? ये सर 10 से 5 मिनट में हो जाएगा। जी 5 मिनट रहा हो जाएगा, होने देते हैं इसको। अब क्या लगने जा रहा है? ये पनीर पकौड़े हैं सर। पनीर पकौड़ा की रेसिपी तैयार करिए। कुल्हड़ में बनता है ये भी। अच्छा, ये भी कुल्हड़ में बनता है। तो भाई सारा आइटम यहाँ पर कुल्हड़ में बनता है। कुल्हड़ के बर्तन भी हैं सर। अच्छा, बर्तन भी कुल्हड़ के हैं। अरे वाह यार, तो क्या क्या मिलाया है आपने इस मैटर में? मैदा मिला रखा है, बेसन हो गया और आरारोट थोड़ा कड़क करने के लिए। अच्छा, कड़क करने के लिए। और नमक मिर्ची तो मैं बराबर डाले जा रहे हैं पकौड़े के लिए। पनीर इसकी क्या प्राइस रहती है? इसकी है 50 रुपये। ये तेल गर्म हो चुका है हमारा और ये गैस में पनीर के पकौड़े। क्या बात है यार, हो तो होने देते हैं इनको, फिर दिखाते हैं आपको आगे ही प्रोसेस। तो हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं, तो दिखाना भी है। देखो ओए होए होए, क्या बात है यार। तो ये आए कुल्हड़ में भाई, कुल्हड़ मोमो से जाहिर सी बात है कुल्हड़ में आएंगे। अरे वाह क्या बात है यार, सॉफ्टनेस देखो बिल्कुल, क्या बात है यार, मज़े आ गया। ये तैयार हमारे कुल्हड़ मोमोस। ये मसाला है सर हमारा, मसाला सीक्रेट खुद ने बनाया है। तैयार हो गया अपना कुल्हड़ पिज्जा। ओए होए होए, क्या बात है यार, ये भी तैयार। ये पनीर पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं अपने। ये भी सर मिट्टी के बर्तन में आते हैं। अच्छा, क्या बात है, यहाँ हर चीज कुल्हड़ में मिलेगी आपको। ये भी तैयार हमारा, ये भी तैयार हो गया। अब ये मसाला है सर, मसाला। अब चलते हैं बराबर से और टेस्ट करते हैं इनको और दिखाते हैं आपको यहाँ का स्वाद और जानेंगे पूरी स्टोरी भी भैया। तो भाई साहब टेबल लग चुकी है हमारी और सब कुछ आइटम यहाँ पर भाई कुल्हड़ में है भाई, चाय कुल्हड़ में, पिज्ज़ा कुल्हड़ में, यहाँ तक कि पनीर पकौड़ा भी कुल्हड़ में और मोमोस कुल्हड़ में। मोमोस की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल अलग है। आपने काफ़ी जगह ट्राई किया हुआ मोमोस, वो स्टील के बर्तन में मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो मोमोस है ना ये रखा भी मटकी में जाता है और बनाया भी मटकी में जाता है, तो वो मुझे सबसे यूनिक लगा। अभी टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे आपको यहाँ का टेस्ट कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। यार एक हमारा काम है फूड का रिव्यू करना, वो हम करेंगे, लेकिन टेस्ट भी पता होना चाहिए हमें। इनकी प्राइस भी आपको बताई जाएगी। सबसे यूनिक तो जो यहाँ पर है ना, एक तो कुल्हड़ पिज्ज़ा है और मोमोस है। मोमोस तो मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जा रहा है, तो पहले ट्राई करते हैं हम। तो पहले रेट की बात कर लेते हैं। जो हांडी मोमोस है वो 50 रुपये प्लेट है, जिसमें आपको 6 पीस मिलेंगे जी सर। और ये हमारा भाई सब क्या है, पनीर पकौड़ा जो ही 50 रुपये का, जिसमें आपको 7 से 8 पीस मिल जाएंगे, छोटे पीस हैं, अच्छे हैं। और हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा ये भी 50 रुपये और चाय हमारे 10 रुपये। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं यार, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी भी बताएंगे शॉप के ओनर की कि इन्होंने कितना संघर्ष किया। तो यार शुरू करते हैं पहले। ओए होए होए, चीज़ देख रहे हो? अरे भाई साहब देख रहे हो आप, यही चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखो भाई साहब चीज़ भर भर के डाला गया है, क्या क्वालिटी आ रही है भाई साहब। और मोमोज़ की मैं आपको स्टफिंग दिखाऊँ एक बार, पास लाना कैमरे को। ये देखो भाई, अरे 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 वाह। और ये हमारा पनीर पकौड़ा जिसके ऊपर मसाला लगाया गया है और आरा रोट मैदा और बेसन की मिक्सचर किया हुआ है। तो पहले एक बार चीज़ वाले हम ये देखते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है यहाँ पर कुल्हड़ पिज्ज़ा। देख रहे हो आप स्टफिंग, मतलब ये मान लो आप चीज़ तो इसमें भर भर के डाला गई है। जो आप नॉर्मल पिज्ज़ा खाते हो ना बेस वाला, उससे डिफरेंट है, क्योंकि एक तो इसमें क्या है ना, जब इसको ओवन में पकाया जाता है ना, जो कुल्हड़ है कुल्हड़ की सॉफ्टनेस का इसमें थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर आ रहा है। इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। लेकिन जो यहाँ पर ये मोमोज़ की बात करें हम, जो इनका बिल्कुल बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इन्होंने हांडी में बनाया गया है, हांडी में छेद हो रहे हैं नीचे। मोमोज़ जो होते हैं ना, मोमोज़ की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। और जो इनका मसाला है,
मसाले का टेस्ट निकल के आ रहा है जो इन्होंने खुद बनाया हुआ है, क्योंकि उसी का यार पैसा है। और जो इन्होंने हांडी में बनाया है उसका फ्लेवर भी साथ में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे मोमोज हैं। मैं आपसे कहूँगा एक बार कि आप इनको ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये पनीर पकौड़ा, पनीर नॉर्मली जो आता है उसी को इन्होंने बैटर में मिलाकर बनाया गया है। पनीर भी ठीक है, बाकी जो सारा कमाल है ना इनके जो मसाले हैं सीक्रेट उसी का कमाल है ये। तो यार टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, ये चाय हम चाय थोड़ा लेट ट्राई करेंगे। और मेन बात रही चाय की, तो इनकी शुरुआत जो हुई थी ना वो चाय से ही हुई थी। तो हम तब तक के लिए इनका मजा लेते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की स्टोरी, भैया ने किस तरह से थोड़ा संघर्ष किया। चाय का वास्ता के ओनर कैलाश चंद प्रजापति सर नमस्कार, मैं कैलाश चंद प्रजापति चाय का वास्ता का ओनर हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस संघर्ष से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो आज हमारे कोटा में लगभग 7-8 दुकानें हैं और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में कवर करूँ। ठीक है, मेरी स्टोरी क्या है, मैंने कैसे संघर्ष किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। उस 2002 में जब मैं कोटा आया था तो साइकिल से आया था, 2002 में मैं कोटा आया था तब मैं बिजनेस के सिलसिले से ही आया था। मैं पढ़ाई छोड़कर बिजनेस ही करना चाहता था, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी नौकरी करनी है और पढ़ाई पढ़कर भी नौकरी ही करनी है, तो मैंने उस यथावत को छोड़कर मैंने बिजनेस करने का मन बनाया। और मैंने एक खाली जगह देखी 2004 में गुमानपुरा में, जो उस जगह मैंने 5,000 का जुगाड़ करके कहीं से, 5,000 रुपये उस टाइम पर बहुत बड़े थे, तो 5,000 का जुगाड़ करके कहीं से मैंने उस टाइम पर एक छोटी सी थड़ी डाली। थड़ी डालने के बाद में धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिला मुझे और लोगों का प्यार स्नेह मिला और मैं आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे अलग अलग खोज की तलाश में थी कि मैं इस चाय की जगह कुछ और चाय लाऊं। तो मैंने उस सिलसिले में बहुत सारी चाय का वो किया, जो मतलब आविष्कार किया है। हमारे पास में आज लगभग 27 प्रकार की चाय है। 27 प्रकार की चाय? जी सर, 27 प्रकार की चाय है। और उसी के साथ चाय के साथ में मैंने फिर नया कॉन्सेप्ट डाला है, जो आज चाय दा वास्ता की फास्ट फूड की एक ब्रांड है, उसके साथ में एक ब्रांड को मैंने प्रमोट किया है जो मिट्टी के बर्तनों से बनी हुई है। हांडी मोमोज, कुल्लड़ पिज्ज़ा, कुल्लड़ पास्ता, कुल्लड़ मैगी, मैं मतलब मेरा डेकोरेट भी मिट्टी के बर्तनों से ही है और मैं जो भी चीज़ें देता हूँ सर्वाइव करवाता हूँ, बाकी वो मिट्टी के बर्तनों से ही सर्वाइव होती है। आपकी हमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है ना वो सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में मिलता है। जी, यहाँ तक कि लाइट की डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो वो भी मिट्टी के बर्तनों से ही कवर हुई हुई है। जी, और मोमोज, पिज्जा, पैटीज और जो कुछ भी आप यहाँ पर लोगे तो आपको मिट्टी के बर्तन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। अगर आप पानी का गिलास भी मांगो ना पीने के लिए तो आपको पानी भी मिट्टी के बर्तन में दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें पता लगा कि आप जब शुरुआत की तो आप साइकिल से आया करते थे बहुत दूर से। जी सर, मैं 22 किलोमीटर दूर से साइकिल से आता था, सुबह 4 बजे और रात की 11 बजे घर पे जाता था। सुबह 4 बजे साइकिल से आते थे? जी सर। 11 बजे घर जाते थे? जी सर। तो मतलब भैया की संघर्ष की कहानी काफी लंबी भी है, अगर हम सुनने बैठे तो काफी टाइम भी लग जाएगा। जी सर। और भैया की कहानी से कुछ तो सीखने को मिलता है यार कि मेहनत करते रहो, मेहनत का परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। और उसी मेहनत का परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है, जो चाय का वास्ता नाम से शॉप खुली है। एक बार आप अपना नंबर बोल सकते हो? जी सर, 9571386655, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। तो भाई अगर आप फूटी आदि का नाम लेकर चाय दा वास्ता की शॉप पर आओगे ना तो आपको यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे आप मोमोज ट्राई करो, चाहे आप पिज्जा, कुछ भी चाहिए, अगर आप हमारा नाम लेकर यहाँ पर आते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो चाय दा वास्ता की पूरे इंडिया में या पूरे विदेश में कहीं पर भी, तो आप वो भी ले सकते हो। आपको सिर्फ दिए हुए नंबर पर कॉल करना है और इनसे बात करनी है, आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो जल्दी से नंबर पर कॉल कीजिए और फ्रेंचाइजी ले लीजिए। और अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हो और आपको चाय से प्यार है तो जल्दी से आओ आप कोटा शहर के तलवंडी में और ट्राई कीजिए इनके अलग अलग यूनिक आइडिया वाली डिशेज।
जैसे कि मोमोस हुआ, कुल्हड़ वाला पिज्जा हुआ, जो शायद ही आपको राजस्थान में देखने को मिले। तो देर किस बात की यार, तो आपको इतने कहूँगा कि जल्दी से आइए तलवंडी वाली शॉप पर और बात कीजिए यहाँ के ओनर से और ट्राई कीजिए यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और चाहिए वास्ता का आपको वास्ता है, जल्दी से आ जाइए।